नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पानी सैचुरेट करता है ज़मीन पे, ज़मीन को अपन पानी ऊपर अच्छे तरीके से ज़मीन को भर देते हैं तो उससे नुकसान क्या है, जो बताया गया है कि भी माइक्रोब वहाँ डूब के मर जाते हैं, एरेशन सही से नहीं हो पाता पौधे की जड़ में, तो वो नुकसान पर आज आपको मैं अनुभव साझा करूँगा और प्रैक्टिकल अपने खेत में देखेंगे आज भी क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने जैसा आपने देखा भी अपने गेहूं लगा रखी है बेड के ऊपर, तो किसी कारणवश अपने एक बेड के ऊपर कुछ पानी चला गया कुछ दूरी में, तो वहां मैं आपको गेहूं दिखाऊंगा और उसके साथ में उसी बेड पर जहां पानी नहीं गया वही गेहूं दिखाऊंगा मैं। तो आप इसमें देखो, आप ये नीचे देखो, आप ये यहां से लेके यहां तक बेड पर पानी सैचुरेट कर गया, पानी इसके ऊपर आ गया, ऊपर आने के कारण इस गेहूं को देखो आप, इसमें पीलापन भी है। ये पत्तियाँ ध्यान से देखो, अब इस पत्ती को देखो आप आगे से, ये पीलापन है इसमें। और वहीं इसी बेड की आगे वाली रो देखो आप, इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं पीलापन है लेकिन इससे आगे वाली रो बिल्कुल ठीक है, इसमें ना कोई डीएपी डाली ना यूरिया डाली। अब इसमें क्या है, इसके लिए अपने को यूरिया डालनी पड़ती है, जब हम ज़मीन को सैचुरेट कर देते हैं तो हमें यूरिया डालनी पड़ती है, माइक्रोब वहाँ रहते नहीं, तो ज़मीन के अंदर जो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़ा है अपना जो भी पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो इसको अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिलते, तो नहीं मिलने के कारण हमें बाहर से डालने पड़ते हैं अगर हम पानी ऐसे डालते हैं तो। और यहाँ देखो सिर्फ नमी आई है तो इसकी वजह से इसमें ये ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, आप सामने देखोगे नालियों में पानी पड़ा है और इसी नाली में एक आगे अपने अंडरग्राउंड पानी की पाइपलाइन जाती है, तो वो पाइपलाइन कहीं पंचर हो रखी है उसके कारण इसमें लगभग एक दो दिन छोड़ के या लगातार कंटिन्यू दो तीन दिन तक इसमें पानी चलता रहता है, तो नाली इन नालियों में अपने पानी चला है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बेड के ऊपर सैचुरेट हो गया वो पानी। तो इसमें आप गेहूं देखो, ये गेहूं तकरीबन 40 दिन की होगी लेकिन इस 40 दिन में इसमें कोई यूरिया डीएपी नहीं डाली, सिर्फ पानी सैचुरेट नहीं होने के कारण, इसका रंग कलर देखो आप, पत्ते देखो, वही सिर्फ सैचुरेट एक बार पानी होने के कारण अपने हालात ये हो गए, एक बार सैचुरेट हुआ ये। और ये 40 दिन के अंदर आप कम से कम यूँ मानो 25 से 30 दिन इसके अंदर पानी रहा है नाली के अंदर, लेकिन आप फसल देखो करीब से देखेंगे पापा, आ जाओ, इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं दिखा रखो था, यहाँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई यूरिया की डेफिशिएंसी है या इसकी हालात और उसकी हालात एक जैसे हैं, वहाँ पानी सैचुरेट हुआ था इसमें पानी सैचुरेट नहीं हुआ, नाली के अंदर अंदर रहा है और नाली बिल्कुल तर हो रखी है इसके अंदर। तो अब किसान साथियों ये फ़र्क है अपना सैचुरेट होने का और ज़मीन के अंदर सिर्फ नमी रखने का, अगर नमी रखते हैं तो माइक्रोब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जिसके कारण हमें समस्याएं नहीं आती, और नमी नहीं रखेंगे अगर तो फिर हालात वो होंगे जिसमें हमें एक बार से परचेज इनपुट अपने को डालने पड़ेंगे। तो किसान साथियों ये एक जो पिकनिक का प्रिंसिपल है जिसमें हम कहते हैं कि भी ज़मीन को डबोनी नहीं है, वो प्रिंसिपल आप इसमें प्रैक्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पे, भाई इसमें डबोने से क्या होता है और नहीं डूबने से, पानी चाहे कितना ही हो नहीं डूबने से क्या होता है, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं। तो अब भी कोई किसानों का शक सवाल हो तो आप फरमाएं। धन्यवाद साथियों, चैनल से जुड़े रहें।